मेरठ में मीट कारोबारी हाजी याकूब कुरैशी पर शिकंजा, कुल किया गया 11.5 करोड़ का घर, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई। इटावा को कैद गैंगस्टर नीलेश पर बड़ा एक्शन, 1.64 करोड़ की कीमत की अवैध संपत्ति को, टॉप 10 अपराधियों में शामिल नीलेश उर्फ रिंकू का नाम। और क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करेंगे उमेश बालाताकांड से जुड़ी बड़ी खबर से, जहां फरार शूटर्स की तलाश करेगी 7 राज्यों की पुलिस। यूपी पुलिस ने 7 राज्यों को तहरीर भेजी है, दिल्ली हरियाणा पंजाब बिहार पुलिस को तहरीर भेजी गई है, झारखंड बंगाल उत्तराखंड में भी तहरीर भेजी गई है, फोटो के साथ अन्य जानकारी भी साझा की गई है। उमेश बालाताकांड में फरार है 5 आरोपी, असद समेत 5 शूटर्स घोषित है, 5 लाख का इनाम। उमेश पाल हत्याकांड के महीने भर बाद भी शूटरों का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही हत्याकांड के मुख्य आरोपी शाइस्ता परवीन भी फरार है, लेकिन अब लगता है कि असद और फरार शूटर्स के दिन पूरे हो गए हैं, क्योंकि 7 राज्यों की पुलिस के बिछाए जाल से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक महीना पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक शूटर का कोई सुराग नहीं मिल रहा। इसके साथ ही हत्याकांड के मुख्य आरोपी शाइस्ता परवीन भी फरार है। एक महीने पहले इसी दिन प्रयागराज के घूमरगंज में माफिया अतीक के शूटरों ने उमेश पाल को गोलियों से छलनी कर दिया था। एक महीने बीतने के बाद भी असद और फरार बाकी शूटर्स कहां छिपे हैं, पुलिस के लिए ये पहेली बना हुआ है। नेपाल तक पुलिस की अलग अलग टीम शूटर्स की तलाश कर रही है। ऐसे में सवाल, क्या इन 5 शूटर्स को आसमान खा गया या धरती निकल गई? सबके जहन में महीने भर से बस यही सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर फरार शूटर्स की गिरफ्तारी कब होगी? उमेश पाल हत्याकांड का एक महीना। अब तक 2 एनकाउंटर, असद समेत 5 शूटर्स फरार, शाइस्ता भी गिरफ्त से बाहर। फरार 5 शूटर्स को पकड़ने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पुलिस अभी तक इन 5 शूटर्स, असद, अतीक का बेटा मोहम्मद गुलाम, दुकान में दिखा शूटर गुड्डू मुस्लिम बमबाज, साबिर राइफलधारी, अरमान बाइक सवार शूटर, इन सबको पकड़ने में नाकाम रही है। पुलिस ने 5 शूटर्स पर 5-5 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ है, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लग रही है। अब यूपी पुलिस ने 5 शूटर्स को पकड़ने के लिए जांच का दायरा बढ़ा दिया है। यूपी पुलिस देश के 7 राज्यों की पुलिस से भी शूटर्स को पकड़ने के लिए मदद लेने जा रही है। यूपी पुलिस के साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तराखंड पुलिस भी फरार शूटर्स की तलाश में जुट गई है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार 5 शूटर्स को अब उत्तर प्रदेश के अलावा 7 और राज्यों की पुलिस ढूंढेगी, और इसके लिए बाकायदा पुलिस ने हुकुम तहरीरी जारी किया है, यानी कि इन 7 राज्यों को अधिकार दिया है कि वो इन शूटर्स को न सिर्फ पकड़ सकते हैं बल्कि गिरफ्तार भी कर सकते हैं। और अगर बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तराखंड की पुलिस भी अब इन शूटरों को तलाश करेगी, जिसके लिए यूपी पुलिस की तरफ से, प्रयागराज पुलिस की तरफ से हुकुम तहरीरी दिया गया है, यानी एक तरह से अधिकार दिया गया है। बाकायदा उनकी फोटो भी दी गई है कि अगर ये शूटर्स कहीं दिखाई दें तो इनको पुलिस, इन राज्यों की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। यूपी पुलिस ने बाकायदा 7 राज्यों की पुलिस को हुकुम तहरीर भेजी है, साथ ही 5 शूटर्स की फोटो और डिटेल भी साझा की है। और अगर हम बात करें तो 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या में जो 5 फरार शूटर्स हैं, असद की बात करें, गुलाम की बात करें, गुड्डू मुस्लिम की बात करें, साबिर की बात करें,
अरमान की बात करें, सभी पर 5 लाख का इनाम है और उत्तर प्रदेश की पुलिस तो इन शूटर्स को ढूंढी रही है, लेकिन अब बाकी 7 राज्यों की पुलिस भी इनको ढूंढ सकती है, गिरफ्तार कर सकती है और इसके लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से पत्र सभी जो राज्य है उनके पुलिस को भेजा गया है। यूपी पुलिस को शक है कि शूटर्स महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली में से कहीं छिपे हो सकते हैं। पुलिस को अभी तक ये भी नहीं पता कि शूटर्स देश में हैं या फिर देश से बाहर भाग गए हैं। तो देखना ये होगा कि यूपी पुलिस का, प्रयागराज पुलिस का ये जो नई रणनीति है ये कितनी कामयाब होती है। हालांकि आज 1 महीना पूरा हो गया है उमेश पाल की हत्या को हुए और अभी तक पुलिस इन शूटर्स की परछाई तक को भी छू नहीं पाई है। पुलिस की ये सबसे बड़ी परेशानी है कि असद और बाकी शूटर्स लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। बातचीत करने के लिए वो व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ है शाइस्ता? क्या 5 शूटर्स के साथ ही है शाइस्ता? अभी तक 5 शूटर्स ही पुलिस के लिए पहेली बनी हुई थी, लेकिन माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता कहाँ है पुलिस के लिए ये भी बड़ा सवाल बन गया है। शूटर्स को शूटआउट का आखिरी ऑर्डर देने वाली शाइस्ता के पास भी पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। अब यूपी पुलिस के साथ साथ देश की 7 राज्यों की पुलिस भी उमेश पाल शूटआउट के गुनहगारों को पकड़ने के लिए अपना अपना जाल फेंकने की तैयारी में है। अब शूटर्स के लिए बचना और भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सवाल यही कि आखिर वो कब फंसेंगे, क्योंकि 1 महीने से शूटर्स पुलिस को चकमा ही दे रहे हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। और अब आपको बड़ी खबर बताते हैं, अतीक गैंग की नई लिस्ट पर एक बार फिर से सवाल उठे। अतीक गैंग की लिस्ट से वाचस्पति का नाम हटा दिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के 15 दिन पहले यह लिस्ट आई थी, 26 मई 2020 की लिस्ट में था वाचस्पति का नाम। 66 सदस्यों की लिस्ट में 50वें नंबर पर नाम था, लेकिन यह नाम हटा दिया गया है। आखिरकार माफिया अतीक के कितने मददगार हैं? जी हां, जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, खाकी से लेकर सफेद पोश तक के नाम सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच सबसे ज्यादा बवाल अतीक गैंग की नई लिस्ट को लेकर मचा हुआ है, जिसे प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के 15 दिन पहले जारी किया था। इस गैंग लिस्ट में विधायक वाचस्पति का नाम भी था, लेकिन अब हटा दिया गया। पाल हत्याकांड के 1 महीने बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई बड़ी सफलता नहीं लगी है। माना जा रहा है कि माफिया अतीक की जड़ें खाकी से लेकर सफेद पोश तक जुड़ी हुई हैं। पिछले दिनों इस बात का खुलासा भी हुआ था कि अतीक ने किसी सफेद पोश को फोन कर मदद की गुहार लगाई थी। उस सफेद पोश ने कहा था कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देकर गलती हो गई। अब सवाल, वो सफेद पोश कौन है और पुलिस उसके आसपास क्यों नहीं पहुंच पा रही? प्रयागराज पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले अतीक के राइट हैंड और टॉप शूटर्स आबद प्रधान का नाम उमेश पाल हत्याकांड से 15 दिन पहले पुलिस ने गैंग की लिस्ट से हटा दिया। वाचस्पति का नाम भी अतीक गैंग की लिस्ट से हटाया गया था। उमेश पाल हत्याकांड मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दरअसल 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या से 15 दिन पहले 9 फरवरी 2023 को पुलिस ने अतीक गैंग मेंबर्स की 121 सदस्यों वाली एक सूची जारी की, जिसमें तमाम ऐसे नाम गायब थे जो 26 मई 2020 को 66 सदस्यीय अतीक गैंग मेंबर की सूची में दर्ज थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें एक माननीय विधायक जी भी शामिल हैं, जो प्रयागराज के 12 विधानसभा से विधायक हैं, जो 2020 की अतीक गैंग मेंबर की सूची में 50वें स्थान पर दर्ज थे। उन विधायक जी का नाम है वाचस्पति, जो अपना दल के टिकट पर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े और जीते भी। भाजपा के सहयोग से विधायक बने वाचस्पति एक समय अतीक गैंग मेंबर की सूची में शामिल थे, जिसको लेकर के अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये सूचियों में फेरबदल कैसे हो रहा है। 2020 में कोई अतीक गैंग मेंबर का सदस्य रहा और 2023 में वो सूची से गायब हो गया।
फरवरी 2023 को अति गैंग की लिस्ट जारी हुई। लिस्ट में 121 सदस्यों के नाम थे। अति गैंग की लिस्ट से वाजपति का नाम हटा दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड के 15 दिन पहले आई लिस्ट 26 मई 2020 की लिस्ट में था वाजपति का नाम। 66 सदस्यों की लिस्ट में 50वें नंबर पर था नाम। चलिए अब आपको इसके बारे में बताते हैं। वाजपति प्रयागराज की 12 सीट से एमएलए है। विधानसभा चुनाव से पहले एसपी छोड़कर अपना दल में शामिल हुए। अपना दल की सीट पर चुनाव लड़ा, टिकट नहीं मिलने पर एसपी का साथ छोड़ा। कौशाम्बी की सिरातू सीट से 2 बार विधायक रहे। तो विधायक जी के ऊपर कई मामले भी दर्ज हुए हैं और जिस तरह से वो पहले उनका संबंध समाजवादी पार्टी में रहा है लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले वो सूची से उनका नाम गायब होता है, उसके बाद उनको अपना दल टिकट देता है और भाजपा के सहयोग से वो प्रयागराज की 12 विधानसभा सीट से विधायक चुन लिए जाते हैं। वाचस्पति का दौर अतीक से पुराना नाता रहा। तो इस सूची की जो फेरबदल है, सूची में जो दखलंदाजी की गई है, उसको लेकर के अब कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। वाचस्पति पर जमीन संबंधी विवाद के कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रॉपर्टी के धंधे के लिए अतीक गैंग से जुड़ा, अतीक गैंग का सहारा लेकर जमीन के धंधे में पैसा कमाया। 2017 में धूमनगंज में 8 बीघा सरकारी बंजर जमीन कब्जाने का आरोप। उमेश पाल शूटआउट के 1 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली। अतीक का सबसे चहेता शूटर आबिद प्रधान और सफेद पोश वाजपति का अतीक गैंग की नई लिस्ट से नाम गायब होना प्रयागराज पुलिस पर कई बड़े सवाल उठा रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए मानवेंद्र के साथ टीम न्यूज स्टेट। उमेश पाल हत्याकांड के बाद गायब हुए अतीक के 2 नाबालिग बेटों पर सस्पेंस खत्म हो गया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को यह डर सता रहा था कि आखिर उसके दोनों नाबालिग बेटे कहां हैं, किस हाल में हैं, जिंदा हैं या फिर नहीं। लेकिन अब इन सारे सवालों का जवाब मिल गया है। देखिए, माफिया अतीक के 2 नाबालिग बेटे कहां हैं, इस बात से पर्दा उठ गया है। हत्याकांड के 1 महीने बाद पता चला है कि दोनों प्रयागराज के राजरूपपुर बाल संरक्षण गृह में हैं। माफिया अतीक अहमद के नाबालिग बेटों को लेकर आखिरकार धूमनगंज थाने की पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है और उस रिपोर्ट में ये बताया है कि दोनों नाबालिग बेटे राजरूपपुर के बाल संरक्षण गृह में हैं। हम इस वक्त उसी बाल गृह के सामने मौजूद हैं। तो पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बेटे, दो नाबालिग बेटे हैं, वो इसी बाल संरक्षण गृह में रखे गए हैं और 7वीं बार में पुलिस ने आखिरकार ये बताया है अपनी रिपोर्ट में कि दोनों नाबालिग बेटे किस बाल सुधार गृह में हैं। हालांकि पुलिस ने साथ में यह भी बताया है कि 2 मार्च को ही जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है उसके सामने दोनों बच्चों को पेश किया था और उसके बाद चेयरमैन के आदेश के बाद दोनों बच्चों को इसी बाल आवास या बाल सुधार गृह में दाखिल किया था। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उसके 2 नाबालिग बेटे किस बाल संरक्षण गृह में हैं, पुलिस इसका जवाब दे। इसको लेकर धूमनगंज पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की और ये भी कहा है पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कि दोनों बच्चे जो उमेश पाल की हत्या की घटना हुई उसके बाद लावारिस हालत में अपने घर के पास घूमते हुए मिले थे। तो 7वीं बार में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में जो नाबालिग बेटे हैं वो किस बाल सुधार गृह में हैं इसका खुलासा किया है और जिस तरह से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर ये मांग की थी कि उनके दोनों नाबालिग बच्चों की जो पुलिस की अवैध निरुद्धि है उसके बारे में उनसे पुलिस से रिपोर्ट तलब की जाए, तो इसको लेकर के तमाम सीजेएम की कोर्ट में तमाम सुनवाई के बाद आखिरकार पुलिस ने अपनी रिपोर्ट लगाई है और शाइस्ता परवीन ने यह भी कहा था कि उमेश पाल की हत्या के 3 घंटे बाद ही पुलिस उनके घर पर पहुंची थी और दोनों नाबालिग बेटों को उठा करके ले गई थी। कोर्ट ने अतीक के वकील को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष बच्चों की सुपुर्दगी के संबंध में आवेदन देने के लिए कहा है, साथ ही इस मामले में सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख तय की है। हालांकि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि घटना के बाद दोनों बच्चे
एक तरह से घूमते हुए मिले थे, लावारिस हालत में घर के आसपास जो उनका मोहल्ला है वहां पर घूमते मिले थे, और उसको लेकर के जो अतीक अहमद है, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी हैबियस कॉर्पस भी दाखिल की गई थी, उस मामले पर भी हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला भी सुरक्षित है। ऐसे में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट फाइनली दाखिल कर दी है और ये बताया है कि दोनों नाबालिग बेटे, अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बच्चे इसी बाल सुधार गृह में हैं। इससे पहले प्रयागराज पुलिस ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा था कि अतीक के बेटे लावारिस हालत में मिले थे, नाबालिग होने की वजह से उन्हें बाल संरक्षण गृह में दाखिल करा दिया गया था। इस पर शाइस्ता की अर्जी में कहा गया कि पुलिस झूठ बोल रही है और उनके बेटे बाल संरक्षण गृह में नहीं है। क्राइम कंट्रोल के लिए प्रयागराज से मानवेंद्र के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसी के साथ क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना है, लेकिन हमारी आपसे अपील, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो संदिग्ध लगे, ताकि कहीं कोई अनहोनी